गौरव की डायरी के इन पलटते हुए पन्नों में एक बंगले की दास्तां आपके सामने आती है। कितने सपने, कितने अरमान लाया हूं मैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने 5 लाख रुपए एडवांस लिया फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए। जैसे ही स्क्रिप्ट देखी इनका माथा ठनक गया। सभी जानते थे कि राजेश खन्ना साहब ने इतनी मोटी रकम क्यों ली है, क्योंकि उन्हें एक बंगला खरीदना था। पर फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी खराब थी कि राजेश खन्ना साहब ने कहा कि अब क्या किया जाए, 5 लाख वापस भी नहीं कर सकता और फिल्म तो करनी ही है। इस वक्त रुपया लौटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपकी रकम डूबेगी नहीं। यह बंगला राजेश खन्ना साहब ने राजेंद्र कुमार साहब से लिया था और तब काका जी ने सोचा कि ये नए नौजवान राइटर सलीम और जावेद को बुलाते हैं। सलीम जावेद को बुलाया गया। फिल्म हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट जरा ठीक की गई। सलीम जावेद ने शर्त ये रखी कि जैसा हम चाहेंगे वैसी हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। काका जी ने बोला कि बस ये स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, मैं एडवांस वापस नहीं कर सकता। फिल्म हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट सही हुई, फिल्म हिट हुई और राजेश खन्ना साहब ने मुंबई नगरी की कार्टर रोड पे ठीक समंदर के सामने बंगला खरीद लिया, नाम जिसका रखा गया बाद में आशीर्वाद। गौरव की डायरी के इन पलटते हुए पन्नों में ऐसी और भी बड़ी अनसुनी दास्तानें सिर्फ अल्ट्रा पर।